काव्य के क्षेत्र में भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से नए नए प्रयोग किए और युगानुरूप नवीन आदर्शों की प्रतिष्ठा की हरियो का जन्म संबद उन्नीस सौ बाईसवीं सन अठारह ईस्वी में ग्राम निजामाबाद जिला आजमगढ़ में आजमगढ़ के एक सनाठय ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुकमणि देवी था भोला नाथ भोला सिंह के बड़े भाई पंडित ब्रह्म सिंह ज्योतिष के अच्छे विद्यमान थे हरिव जी की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं की देख में हुई मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात यह काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजे गए किंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ न सके इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और उर्दू का अध्ययन किया संवत उन्नीस सौ उनतालीसवी सन अट्ठारह सौ बयासी ईस्वी में इनका विवाह हुआ विवाह के पश्चात इन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा इसलिए सर्वप्रथम इन्होंने निजामाबाद के तहसीली स्कूल में लगभग तीन वर्ष तक अध्यापन कार्य किया तदनुपरांत यह कानूनगो हो गए और उपरोक्त उन्नति कर सदर कानूनगो के पद पर पहुँच गए संवत उन्नीस सौ सन उन्नीस सौ में सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आवैध निक अध्यापक हो गए सन उन्नीस सौ इकतालीस ईस्वी तक वे इसी पद पर रहे इसके पश्चात अवकाश ग्रहण कर आजमगढ़ को अपना निवास स्थान बनाया और वहीं रहकर साहित्य सेवा में अपना जीवन लगा दिया यही संबद दो हजार दो सन उन्नीस सौ ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया साहित्यिक सेवाएं हरियोथ जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उन्हें समाहित की भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद प्रसिद्ध की उद्भावना की इनके काव्य में वात्सल्य रस का विप्लब श्रृंगार का जगमगाता रूप झलकता है रचनाएं हरियो जी ने गद्य पद दोनों में ही सफलतापूर्वक रचना की है इसके द्वारा रचे गए काव्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है प्रिय प्रवास नंबर दो वैदेही वनवास नंबर तीन कलश नंबर चार चौखे चौपते और चुपते चौपते नंबर पांच इसके अतिरिक्त हरियो जी के अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार है नंबर एक रूपमणि परिणय नंबर दो पदुम्न विजय नंबर तीन बोलचाल नंबर चार पद प्रसून नंबर पाँच परिजात नंबर छह ऋतु मुकुर नंबर सात काव्योपन पवन काव्य काव्योपवन नंबर आठ प्रेम पुष्पोपहार नंबर नौ प्रेम प्रपंच नंबर न, दस प्रेमांबु प्रेमांबु प्रसण नंबर ग्यारह प्रेमांबु वारिधि नंबर छह इनके प्रमुख उपन्यास निम्नलिखित हैं नंबर एक संकोच हम यह कह सकते हैं कि हरियो जी की काव्य प्रतिभा विविध रूपिणी है वे अपनी रचनाओं में कहीं रीतिकालीन हैं तो कहीं भारतेंदुकालीन कहीं द्विवेदी कालीन है तो कहीं नवयुगकालीन तो, इनके इन समस्त रूपों में इनका द्रिवेदी कालीन रूप ही प्रमुख है भाव और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने नए नए प्रयोग किए और आधुनिक युगानुरूप नवीन उद्भावनाएं भी दी निश्चय ही ये हिंदी के गौरव हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग